नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आगरा जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री द्वारा चलवाए गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इनमें 70-80% की छूट से मरीजों को दवाइयां मिलना शुरू हो गई हैं। इस मेडिकल स्टोर में कुत्ते काटने के इंजेक्शन, जिसकी कीमत मार्केट में 300 से ऊपर है, इस मेडिकल स्टोर पर 150 के समर्थित मूल्य पर मिलेगी। सर, दवाई और केमिस्ट दुकान बोलिए, कस्टमर को क्या इससे लाभ हो रहा है, कितना इसमें? यहाँ पर अभी रविवार के दिन जन औषधि केंद्र खुला है, उससे मरीजों को बहुत लाभ है। उससे जो दवाई हमारे यहाँ अस्पताल में हम उपलब्ध हैं, वो सब अस्पताल से ही दी जा रही है, परंतु कभी कभी कोई दवाई यहाँ पर खत्म हो जाती है और वो जब तक कंपनी से दोबारा नहीं आती है, तब तक के लिए जो मरीजों को वो दवाई नहीं मिल पाती थी, वो अब जन औषधि केंद्र से करीब 50-80% कम दामों पर बाज़ार से वो मिल रही है। और ये बड़ी अच्छी सुविधा है, मरीजों को बहुत कम उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और उनका पूरा इलाज होगा। पहले जो हमारे पास दवाई कभी कभी ख़त्म हो जाती थी, उसको दोबारा आने तक वो दवाई मरीजों को नहीं मिल पाती, परंतु अब वो लगातार जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं वो जन औषधि केंद्र से लेके और उनको पूरा इलाज मिलेगा, उनको पूरा फायदा होगा और वो शीघ्र स्वस्थ होगा। जी, कुत्ते काटने के इंजेक्शन मिलेंगे सर इस पर? इसमें अभी उन दवाइयों की लिस्ट में कुत्ते काटने के इंजेक्शन भी उसमें कमजोर हैं, जैसे कि वैसे बाज़ार में करीब 300 रुपये करीब का मिलता है, परंतु जब यहाँ पर आ जाएगा, इन्होंने भी हमने इनसे कहा है कि आप शीघ्र मंगवाइए, वो यहाँ पर इनको 150 रुपये में उपलब्ध है।